हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का यह वीडियो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। 5 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो 2023 में आप लोगों को टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आप लोगों को इसकी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को 5 पॉइंट की, कौन कौन से 5 पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन से 5 पॉइंट हैं। तो पहला जो है बोर्ड पेपर कैसा आएगा, आपका बोर्ड पेपर जो आएगा वह कैसा आएगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है, बोर्ड पेपर कब होगा, सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। सभी बच्चों की ये मांग होती है कि टाइम टेबल कैसे बनाए ताकि हमारा सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा जो आप लोगों की बोर्ड में दिक्कतें होती हैं सारा मैं इसमें क्लियर करूंगी। और चौथा जो पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं। ठीक है, और पांचवा जो लास्ट है, मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, बोर्ड पेपर कैसा आएगा। तो सभी छात्रों को मैं बता दूं, चाहे आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं चाहे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आप लोगों का बोर्ड पेपर जो है इस बार जो है, आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह 20 नंबर का हो गया है। ठीक है, 20 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो और सारा चीज आपको माधुरी क्लासेस पे कराया जाएगा। सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर वाले, और जो 10-10 नंबर के निबंध हुए हैं, गद्यांश हुए हैं, पद्यांश हुए हैं, सारी चीजें और सारे सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो माधुरी क्लासेस को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बोर्ड पेपर, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर पैटर्न आप लोगों का चेंज हो चुका है। ठीक है, बोर्ड का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो बोर्ड के पेपर पैटर्न में चेंजिंग क्या हुई है, चेंजिंग यही हुई है कि 20 नंबर के जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं वही आप लोगों के 20 नंबर के हो गए हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी आप लोगों का उसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही चेंजिंग हुआ है, जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 20 नंबर के हो गए हैं। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को किसी भी चीज में डरना नहीं है, और जो भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत भी है तो आप लोग कमेंट करिएगा। माधुरी क्लासेस पे आप लोगों को हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें होंगी कमेंट करेंगे, सारी दिक्कत आप लोगों की क्लियर कर दी जाएगी। आप लोगों का जो दूसरा पॉइंट है, बोर्ड पेपर कब होगा। तो बोर्ड पेपर, जिसके भी मन में ये संदेह है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये संदेह है कि बोर्ड पेपर जो है फरवरी में होगा, मार्च में होगा, तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोगों का बोर्ड पेपर जो है फरवरी में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कारणवश फरवरी में नहीं होगा, भले ही मार्च में आप लोगों का स्टार्टिंग में ही, यानी कि जैसे 1 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, भले ही स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाए, लेकिन आप लोगों का पेपर जो है, बोर्ड पेपर जो है आप लोगों का मार्च में ही होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग जान लो। तो आप लोगों के पास जो है फरवरी तक का टाइम बचा हुआ है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आप लोगों के पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का, ठीक है, फुल टाइम है 5 महीने का, कि आप लोग पूरी कोशिश करो कि आप लोग अच्छा नंबर गेन करो। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा तीसरा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और पढ़ेंगे नहीं टाइम से, तो फिर सारी चीजें बेकार हैं। क्या बोर्ड पेपर, क्या आप लोगों का पढ़ाई, क्या लिखाई, सब बेकार है अगर आप लोग टाइम टेबल से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल कैसे बनाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं टाइम टेबल के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम टेबल आप लोगों को ऐसा बनाना है, जैसे कि देखिए आप लोग जब टाइम टेबल बनाइएगा तो कम से कम, जैसे देखिए आप 12th में हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो कम से कम, मैं आप लोगों को कम से कम बता रही हूँ, कम से कम आप लोगों को 5 घंटे पढ़ाई के लिए रखना होगा। ठीक है, और वो भी पर्सनल स्टडी के लिए, ऐसा नहीं कि आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर ट्यूशन में पढ़ते हो, वो कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप लोगों को स्वयं से जो स्टडी करेंगे, यानी कि अकेले में घर में बैठ के जो पढ़ाई करेंगे, वही मायने रखेगा कितना कर रहे हैं। तो कम से कम मैं आपको बता दूं कि 5 घंटे,
अगर आप 12th में है तो 5 घंटे आप लोगों का पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो कम से कम 1-1 घंटे सब सब्जेक्ट को दीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ज्यादा टाइम दे देते हैं, बाद में उनका नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर आते हैं 86, 91, 92, 93 ऐसे करके, लेकिन हिंदी में वही नीचे 60-65 में आकर अटक गए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं। हिंदी को क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम चलो हिंदी तो हो जाएगा, इतना भी सरल हिंदी नहीं है, हिंदी इतना सरल नहीं है कि आप लोग जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हो सारा चीज भूल जाते हो। ये चीज आप लोग जानते हो कि नहीं, पढ़ के जाते हो एग्जाम में ऐसा लगता है कि हाँ पढ़े हुए हैं लेकिन आप भूल जाते हो, है कि नहीं है? बिल्कुल आप लोगों का जवाब होगा कि हाँ है, ठीक है। तो वो काम मत करो, अभी से पढ़ो, मेरी एक बात मानो, अभी से स्टार्टिंग कर दो हिंदी को पढ़ने की। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं और गद्य पद्य से इम्पोर्टेंट गद्यांश मैं दे रही हूँ, सारी चीजें इम्पोर्टेंट आप लोगों को दे रही हूँ, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। पूरी 100% क्या 101% की गारंटी लूंगी कि मैं आप लोगों को 99 नंबर दिलाऊंगी, लेकिन आप लोग कर ही नहीं पाओगे उतना, करके दिखाओ 99 नंबर पाओ। आप लोगों को टाइम टेबल अगर आप 10th में हैं तो कम से कम 6 घंटे 6 सब्जेक्ट हैं 6 घंटे निर्धारित करो। और आप ऐसा नहीं कि लेट के पढ़ रहे हो 1-2 घंटे, सभी नहीं कि 6 घंटे आप लोग जैसे मान लीजिए 6 बजे शाम को शुरू किए और रात को पूरा ले गए 6 घंटे लगातार, कुछ भी नहीं आएगा, ये बात भी गांठ बांध लो, ठीक है। इकट्ठे पढ़ोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, एक सब्जेक्ट पढ़ो उसके बाद छोड़ दो, 2-3 घंटे छोड़ दो, ठीक है। जाओ अपना काम वाम घर का थोड़ा बहुत काम कर लो या फिर घूम फिर लो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों की मर्जी के अनुसार जो सही लगे उसको करिए, ठीक है। लेकिन इकट्ठे कभी मत पढ़िएगा, 1-2 घंटे ऐसे ऐसे। और जो 1 घंटे पढ़ भी रहे हैं थोड़ा बहुत अगर आपको लगे थोड़ा प्रेशर जैसा लगे तो आप लोग थोड़ा टहल लो, पानी पी लो, जाके मम्मी को कुछ बता दो, भैया को कुछ बता दो, ठीक है, थोड़ा बहुत उनसे बात कर लो, जिससे कि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, जिससे कि आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को जो दोबारा जाके यानी कि पानी पीने के बाद जब आप जाके पढ़ोगे वो फ्रेशनप महसूस होगा, ठीक है, अच्छे से सारी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर पाओगे, ऐसा लगेगा जैसे अभी ताजा ताजा बैठे हो पढ़ने के लिए। तो इकट्ठे कभी मत पढ़ना बाबू, ये काम बिल्कुल मत करना। तो चलिए आप लोगों को चौथा पॉइंट बताते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सभी बच्चों का यह सपना होता है कि मेरे भी 95% आए। हाँ, कई बच्चे हैं उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मेहनत करते हैं वो पाते हैं 95%, कोई सपना नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो आप लोग नहीं करते हो। और ये चीज आप लोगों को एग्जाम के बाद थोड़ा आगे क्लास में जाते हो तो समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक की थी, लेकिन हाँ अब समय चूक गया, वही कहानी का हाल हो जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा नहीं करना है, चिड़िया खेत चुगे ना उससे पहले आप लोग समझ जाओ कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो देखिए वो अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बोर्ड परीक्षा में 95 कैसे लाएं, ठीक है। तो 95 लाने के लिए आधा चीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, टाइम टेबल बनाएंगे जो वो उसी का टारगेट है, ठीक है। 95 खुद ब खुद आएगा अगर आप लोग टाइम टेबल बना के और रेगुलर फॉलो करते हो। बहुत सारे बच्चे हैं टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने बहुत देखा है। हम लोग भी थे जब छोटे थे तो टाइम टेबल बनाते थे लेकिन उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है जो सभी करके आ चुके हैं, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जहां पर आपको कोई काम ना हो, मम्मी भी डिस्टर्ब ना करें, पापा भी डिस्टर्ब ना करें, किसी का कोई काम वहां पर बात कर लो कि मम्मी देखो मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा, इस टाइम पे आप लोग मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिएगा किसी भी हाल में चाहे जो हो जाए। तो मम्मी पापा तो खुद चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, जिसका बेटा पढ़ता है बहुत खुश रहते हैं, देखो मेरा जो भी नाम जैसे मेरा शिवम देखो बहुत पढ़ता है, मेरा अमन देखो बहुत पढ़ता है, तो जिसके बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मम्मी पापा खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा जितना ज्यादा पढ़े, जितना ज्यादा पढ़ाई में उसका मन लगे,
तो वो तो बिल्कुल नहीं मना करेंगे। जो ये कहें कि हाँ मेरे मम्मी पापा मना करते हैं, मैं ये भी चीज़ बिल्कुल नहीं मानूंगी, वो तो खुद आप लोगों को टाइम देंगे, ठीक है। हाँ मानती हूँ कि कहीं कहीं क्या होता है कि कोई काम आ जाता है तो बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, इसके लिए भी नहीं कहूँगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम टेबल ऐसा बनाइए जहाँ पर आप लोगों को कोई काम ना हो, ठीक है। ऐसा आप लोग सोच समझ के, आपके घर का काम है आप समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। जब टाइम टेबल रेगुलर, आप लोग टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करोगे तो खुद ब खुद आपका हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो खेल तो रहे नहीं हैं, वहाँ पर पढ़ाई ही कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़िए, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़िए, ठीक है। उसका सारा क्वेश्चन सारांश समझिए, सारा क्वेश्चन समझिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आसानी के साथ आपके 95% आसानी से आ जाएंगे। और एक चीज जो मेन पॉइंट है आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले देखिए आप लोगों को अगर मान लीजिए कि पेपर में, ठीक है, पेपर में आप लोगों को जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है उसको आपको कैसे करना है। बहुत सारे लोग हैं पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, फिर वो पूरा आंसर उतारते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं, फिर जाके टिक करते हैं। वो चीज़ समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड पेपर में आप लोगों को सिर्फ प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है, बढ़िया राइटिंग में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक पेज रेगुलर लिखना है, ठीक है। आज से ही स्टार्ट कर दो, वीडियो देख रहे हो स्टार्ट कर दो, एक पेज लिखना शुरू कर दो। और देखिए प्रश्नोत्तर आप लोगों ने लिख दिया, बढ़िया से लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर एक, ठीक है। यहाँ पर ख आपका सही है, ख पे टिक करिए, और यहाँ पर जो भी हो, जयशंकर प्रसाद जो भी लेखक हो उनको लिखिए और टिक करिए, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है बहुविकल्पी में, बहुविकल्पी में आपको बस इतना ही करना है। और देखिए अगर कहीं भी और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आप लोगों को पूरा एक वीडियो ही दे दूंगी कैसे आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये सारे कमेंट का जवाब भी दिया जाता है, और जो भी दिक्कतें होती हैं उसको वीडियो के जरिए भी मैं देती हूँ, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक चीज और जान लीजिए, जो बोर्ड कॉपी होती है, ठीक है, जो बोर्ड कॉपी होती है उसमें आप लोगों को लिखना कैसे है। तो आप लोगों को बहुत ही साफ शब्दों में लिखना है, ठीक है। जितना साफ लिखेंगे, और कॉपी को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भरना है, आप लोग जितना, जैसे हर एक प्रश्न का वर्ड भी निश्चित होता है, 80 वर्ड का, 150 वर्ड का, तो जो भी वर्ड रहेगा उससे थोड़ा बहुत बढ़ के लिखिए। और ज़्यादा लिखने से आप लोगों को नंबर ज़्यादा नहीं मिलता, ये बात आप लोग ध्यान रखो। अगर 2 पेज लिखना है, आप लोग 4 पेज लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बस करो पूरा गोचा है, ठीक है, सारा टॉपिक ले लेके गोचा है, इसको तो आधा ही नंबर मिलना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं करना है, मेन पॉइंट लिखिए। पहली बात तो पहला ही प्रश्न आपका निर्धारित कर देगा कि आपको नंबर कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से लिखेंगे कॉपी में, बिल्कुल ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अगला जो लास्ट पॉइंट है उसको देख लीजिए, तो लास्ट पॉइंट जो है उसको देख लीजिए। लास्ट पॉइंट हमारा है मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो मॉडल पेपर अभी आप लोगों का आया नहीं है, जो पिछला मॉडल पेपर है उसको आप लोग सॉल्व करिए, मैंने वीडियो दे दिया है, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। और मॉडल पेपर आप लोगों का आने वाला है, तो आप लोगों का जब मॉडल पेपर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। फिलहाल पिछला मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया, उसको आप लोग सॉल्व करिए। अभी आप लोगों का मॉडल पेपर आया नहीं, आने वाला है, ठीक है। 2023 का मॉडल पेपर जब आ जाएगा तो 20 नंबर का ऑप्शनली जो आप लोगों को दिया गया है सारे उसी में क्लियर रहेंगे कैसे आप लोगों का बोर्ड पेपर होगा। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे सारी तैयारियां आप लोगों की अच्छे से कराई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ और ज़रूरी चीज़ें मिल जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।